एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंशीस कॉर्नर। और स्पेशली आज मैं वेलकम करना चाहती हूँ मॉम्स के लिए, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली मॉम्स के लिए है। थंबनेल देखिए, आप लोग समझ ही चुके हैं, ये एक रिव्यू वीडियो है। और सबसे पहले मैं आप लोग को बता देती हूँ कि मैं वही रिव्यू करती हूँ जो मुझे पर्सनली मैंने यूज़ किया है, उसी के बारे में मैं आपको रिव्यू करूँगी। कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई भी वीडियो ली, कोई भी चीज़ लिया, उसका रिव्यू कर दिया। तो आज का प्रोडक्ट जो है वो बच्चों के लिए है, स्पेशली मॉम्स के लिए है, जो मॉम्स कंफ्यूज हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट है जो काफ़ी दिनों से कई पेरेंट्स देख रहे होंगे, जिसे यूज़ करना भी चाह रहे हैं बट वो थोड़ा सा कन्फ्यूज हैं। तो इस प्रोडक्ट के लिए, रिव्यू करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर कई बार मैसेजेस आए हैं, तो आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है ये लिटिल जॉय का मल्टी विटामिन गमीज। तो ये मल्टी विटामिन हैं, ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे खाना नहीं खाना चाहते या खाते नहीं हैं, तो ये उनको काफ़ी स्ट्रांग बनाने के लिए हेल्प करता है, उनकी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने के लिए हेल्प करता है। ये एक तरीके का बूस्टर है, जैसे कि आप अपने बच्चों को रोज़ एक कैंडी दे देते हो, चॉकलेट दे देते हो, तो उससे उनको कुछ हेल्प नहीं मिल रही है ना, बल्कि और उससे आपको नुकसान ही होता है। तो उसकी जगह आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई है गाइस, जिसे देख के बच्चे भी काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। आप देख सकते हैं ये इस तरीके की पैकेजिंग में आता है, इसको आप इस तरीके से ओपन करेंगे तो इसके अंदर इस तरह की कैंडीज निकलेंगी, जो टोटल 30 कैंडीज होती है, यानी कि ये पूरा 1 मंथ का पैक है। आपको रोज़ एक कैंडी अपने बच्चों को देनी होती है। मैं अपनी बेटी को रोज़ एक कैंडी देती हूँ उसके स्कूल जाने से पहले, तो उसको मल्टी विटामिन मिल जाते हैं, क्योंकि बच्चों को दवाई अगर आप दोगे तो वो इतने इंटरेस्ट के साथ नहीं लेंगे। या होता है ना, कई बच्चों को विटामिन की कमी होती है या डॉक्टर सजेस्ट करते हैं तो वो बच्चे दवाई नहीं लेना चाहते, तो उसकी जगह पर आप ये ले सकते हो। वैसे तो मेरा पर्सनल मानना यह है कि आप जितनी ज़्यादा नेचुरल चीज़ें से बच्चों को इंट्रोड्यूस कराओगे वो ज़्यादा अच्छा है, जैसे लाइक वेजिटेबल्स है, दाल है, इन सब चीज़ों को अगर आप दोगे तो ज़्यादा अच्छा है। बट अगर बच्चे नहीं लेते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट बच्चे आजकल नहीं लेते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें है आपका विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, DHA, ठीक है, जो आपकी आईज़ के लिए अच्छा होता है, बूस्ट हेल्थ करता है आपका, बोन्स की हेल्प करता है, बोन्स के लिए, और इम्यूनिटी पावर आपकी स्ट्रॉन्ग करता है, फॉर ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये। तो इस तरीके से होता है, बाकी सब कुछ इसमें गाइस मेंशन किया हुआ है, कुछ भी इसमें ऐसे छुपा हुआ नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम होती है। ये आपके 6 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं इसमें एसोसिएट, और मिलरन्स 2 ईयर्स प्लस बच्चों को दे सकते हो। गाइस कैसे यूज़ करना है, क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, सब कुछ इसमें मेंशन किया हुआ है, कुछ भी इसमें छुपा हुआ नहीं है। तो आप इसको पढ़ सकते हो, उसके बाद आराम से यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी इसकी साइट मिल जाएगी, जहाँ पर जाके आप इसके बारे में सब कुछ पता कर सकते हो। पहला प्रोडक्ट तो मेरा ये है। दूसरा है ये पाउडर, जिसे आप दूध में मिलाकर बच्चों को दे सकते हैं। इसमें है आपके आलमंड्स, वाटर नट्स, और है आपका इसमें रागी, बाजरा, कई ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे नहीं खाना चाहते, अवॉइड करते हैं खाना, और आप चाहकर भी नहीं खिला सकते हो, तो इन सब चीज़ों के थ्रू बच्चों को आप दे सकते हो। ये एक अच्छा न्यूट्रिशन है बच्चों के लिए, इसे आप एक स्कूप आप अपने बच्चों को दूध में मिला के दे सकते हैं। कैसे यूज़ करना है सब कुछ इसमें मेंशन किया हुआ है, आप पढ़ के दे सकते हैं। इसमें आप रोज, मतलब कि एक बार में अगर आप बच्चों को देते हो तो पर डे बच्चे को 6 ग्राम प्रोटीन आपको पर सर्विसेज में मिलेगा, ठीक है। इसमें ये सब चीज़ें इसमें मेंशन की हुई हैं, 2 ईयर्स प्लस बच्चों के लिए है। इस तरीके से गाइज यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया हुआ है कि आप किस तरीके से इसे यूज़ करेंगे, कैसे कैसे इसको यूज़ करना है, किस तरह से यूज़ करना है, ये सब कुछ गाइज इसमें दे रखा हुआ है। तो टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है, कोई भी चीज़ जब तक आपको यूज़ करना नहीं सिखाया जाएगा आप नहीं कर पाएंगे, तो आई थिंक ये चीज़ बहुत अच्छी है। सो गाइज, ये मेरा रिव्यू था, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहती हूँ कि अगर आपका बच्चा खाता नहीं है तो आप बस यही प्रोडक्ट दे दीजिएगा और सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज। आप, मेरा मतलब पर्सनल मानना है, जितना आप नेचुरल चीज़ें बच्चों को दोगे वो ज़्यादा अच्छा है। ये सिर्फ उसको हेल्प करता है, और ज़्यादा बूस्ट करने में हेल्प करता है, आपको आपके बच्चे की इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने के लिए इन चीज़ों को हेल्प कर सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।
Thank you.